खासकर देखा जाए नारोल में हरियाणा सरकार ने अहम फैसले लिए थे मेडिकल कॉलेज का, और अंतिम चरण में है यहाँ की जो जनता के सपने साकार हुए हैं। आज विजिट की है, किस तरह की आपने? पीछे कोविड के करके तमाम प्रोजेक्ट्स में देश भर में डिले हुए, मगर उसके बावजूद भी हमारे कोरियावास मेडिकल कॉलेज की जो डेडलाइन है उससे थोड़ा सा ही डिले के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और खुशी की बात यह है कि जो पब्लिक यूटिलाइजेशन की मेजर स्पॉट्स हैं, जैसे ओपीडी हो या मेडिकल कॉलेज के अंदर छात्रों की शिक्षा की जो जगह कॉलेज वाला एरिया, उसका कंप्लीशन इस साल के अंत तक 31 दिसंबर से पहले पहले हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि अगले एजुकेशनल ईयर में यहाँ छात्र भी आ पाएँ और स्टाफ भी नियुक्त होकर जो आम चिकित्सा जन को चाहिए वो समय अनुसार दिलवा पाएँ, इस प्रयास को आगे लेकर। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए जो मशीन दी है उसकी प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है? बिल्कुल, वो तो MER का काम है, और पीछे भी जितने जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं कोई एक दिन के अंदर तो सारे डिपार्टमेंट्स चालू नहीं होते, और प्राथमिक तौर पर मैं ये मानता हूँ उपचार के लिए OPD जब शुरू हो जाएगी वो एक थ्रस्ट इस इलाके के मेडिकल सेक्शन को देगी, और उससे ही धीरे धीरे जब शिक्षा यहाँ शुरू हो जाएगी, कॉलेजेस में छात्र आ जाएंगे, हमारी जो मेडिकल काउंसिल है उससे सीट्स अप्रूव हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर भी बच्चों के आने जाने की व्यवस्था, और मैं तो देख रहा हूँ हॉस्टल ब्लॉक भी लगभग कंप्लीशन की ओर है, और जो मेजर वर्क्स हैं वो लगभग फाइनल चरणों पे है, पत्थर का काम हो चुका, जो गैस पाइपलाइन है उसका काम हो चुका, फायर का काम हो चुका, तो मेजॉरिटी पर्पसेस है और सेफ एंड साउंड हॉस्पिटल। कितना बजट इसमें लेके चलो? लगभग 550 करोड़ से ऊपर की लागत से फेज़ वन इसका बना है, और आगे भी 300 करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है कि जैसे जैसे यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी 300 करोड़ की अगर एडिशनल जरूरत हो उसको दे के फेज़ टू को भी आगे। मेडिकल सीट की बात करें तो कितनी मेडिकल सीट डॉक्टर की सीटें होंगी, और जो हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी कितनी? देखो, ये तो पहले साल तो 100 ही सीटों के साथ कोई मेडिकल कॉलेज चलता है, मगर 5 साल के अंदर 500 सीटें वहाँ बनती है, और उसके बाद फिर MD MS की कोई एडिशनल सीटें आती है तो वो ऑन अप्रूवल एडिशन ऐड हो जाती है, मगर आज जब शुरुआत होगी तो 100 सीटों के साथ होगा और 5 साल के अंदर वो 500 सीटों पर। मानते कि इस क्षेत्र के लिए एक सौगात होगी? बिल्कुल होगा, और इस क्षेत्र के लिए साथ लगते हुए राजस्थान को भी एक सौगात हरियाणा दे, क्योंकि उपचार जो है आज के दिन हम झुंझुनू की बात करें कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग जयपुर तक जाके आते हैं, अगर कोटपुतली की बात करें तो दूर जाके आते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे ट्रांस हरियाणा हाईवे जिसका जल्द शुभारंभ भी होगा उसके आने के बाद तो केवल मात्र महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं, आसपास रेवाड़ी हो, दादरी हो, तो आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एक मैं मानता हूँ कि लाइफलाइन बनेगी अच्छी मेडिकल सुविधा। एक और के नारनों से अटैचमेंट इसकी रहेगी तो क्या इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा? किया जाएगा, और इसके लिए लैंड की प्रोविज़न ऑलरेडी चेक कर दी है, जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी और यहाँ वर्कलोड बढ़ेगा तो इसका एक्सपेंशन की होगी।